भारत बनाम पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का महामुकाबला 11 सितंबर को कोलंबो में खेला गया। ये मुकाबला 10 सितंबर को खेले जाने वाले मुकाबले का रिजर्व डे था, जो भारत ने बेहद शानदार तरीके से अपने नाम किया। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 356 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने जहां 122 रनों की पारी खेली तो केएल राहुल ने भी 111 रनों की शतकीय पारी खेली। लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 128 रनों पर ऑल आउट करते हुए 228 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन अब इसी जीत के साथ टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो के इस मैदान पर इतिहास रच लिया। दरअसल में टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान को रनों के मामले में सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाया। इससे पहले साल 2008 में भारत ने पाकिस्तान को 140 रनों से शिकस्त दी थी, जो टीम इंडिया की वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के ऊपर रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत थी। और आज भारतीय टीम ने 228 रनों से पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। एशिया कप की बात करें तो भारत की रनों के मामले में ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। साल 2008 में ही टीम इंडिया ने हांगकांग को 256 रनों से शिकस्त दी थी, और अब पाकिस्तान को हराते ही टीम इंडिया ने बड़ा कीर्तिमान एशिया कप में भी अपने नाम दर्ज किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत मिली, जो ये बताता है कि इस विश्व कप से पहले ये टीम इंडिया है तैयार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।